सो लास्ट टाइम तक हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कोइलिंग ऑफ डीएनए, राइट। उसके बाद दैट इज डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कैसे पता चला वो बताया। अब हम आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी थी दैट इट कैन रेप्लीकेट, इट कैन डुप्लीकेट, इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म इट्स ओन कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, राइट। दैट इज कॉल्ड एज रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए और कॉपिंग ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लीकेशन। अब क्या मोड्स क्या हो सकते हैं, ये है लेट्स से पेरेंट डीएनए। हम ये अब सोचने की कोशिश करें कि कैसे रेप्लीकेशन हो सकती है। ये है पेरेंट डीएनए। अब यहाँ क्या है, दैट इज सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हुआ, ठीक है, दोनों ने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। और फिर हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। इसने जो है, इस स्ट्रैंड ने अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया और इस वाले ने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया। कॉम्प्लीमेंट्री इन दी सेंस कि अगर यहाँ एडेनिन है तो न्यू स्ट्रैंड में थायमिन होगा, अगर यहाँ पुराने में गुआनिन है तो न्यू स्ट्रैंड में साइटोसिन, ठीक है। इस तरह दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स ने क्या बनाए, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए, ठीक है। अब क्या हुआ, देन फिर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड्स एंड डॉटर स्ट्रैंड्स, एंड ज्वाइनिंग ऑफ, आपको क्या लिखना, ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स। अब क्या हुआ कि एक मोड ये है कि अब ये दोनों फिर अलग अलग हो गए और हर एक ने, पेरेंटल ने पेरेंटल के साथ ज्वाइन कर लिया, डॉटर ने डॉटर के साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब एक पूरा पेरेंट डीएनए एक न्यू डीएनए बना। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मोड, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ऐसे ही रहते हैं, दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स अलग हुए, दोनों ने नया नया अपना डॉटर स्ट्रैंड बनाया, सो दैट ईच नाउ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन डॉटर स्ट्रैंड। दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि हर डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये दो मोड्स थे, फिर इनको आगे प्रूव किया गया कि इट इज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन व्हिच इज एप्लीकेबल एंड नॉट दिस। वो क्या एक्सपेरिमेंट थी मैं बताऊंगी, अब इधर आ जाइए। हमने क्या कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, जो मैंने वहां बताया वो यहाँ दिखाया, कि ये मैंने बताया है
इसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि दो न्यू स्ट्रैंड्स बने या दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, उसमें 50% पेरेंटल डीएनए कंजर्व्ड है और 50% न्यू डीएनए है. दिस इज सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है. एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. मैं इसको मैंने जो आपको शुरू में कहा कि कैसे, पहले तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया. वो रेप्लिकेशन पे डुप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहा था, बट जब उसने देखा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है तो वो कहता कि जरूर इस कॉम्प्लीमेंट्री का डीएनए कॉपिंग से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है. उन्होंने काम नहीं किया, दैट इज ए सेपरेट इशू. बट फर्स्ट प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, हु सेड, है ना, उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है उन्हीं की ये भाषा है कि इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग सजेस्ट्स ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर ए जेनेटिक मटीरियल. की ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही कुछ ना कुछ आगे जाके ये मैकेनिज्म बताएगी कि कैसे रेप्लिकेशन हो रही. इज इट ओके? पता चला कि अगर इफ इट इज, वन कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मींस व्हेन वन डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, देन आउट ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स वन इज कंप्लीटली पेरेंटल, वन इज कंप्लीटली न्यू. That is conservative DNA replication. In semi-conservative DNA replication, both the DNA molecules have 50% parental and 50% new DNA. That is semi-conservative replication. Is it okay? ठीक है, ये लिख लो. कोई doubt है अभी यहाँ तक तो मुझसे पूछो. अब हमने मिसेलसन एंड स्कॉल ने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, फुली कंजर्वेटिव नहीं है. किसमें देखा? ईकोलाई में, एचर्शिया कोलाई. ठीक है, तो उन्होंने क्या यूज किया, कैसे, अभी एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी क्या है. बट उन्होंने यूज किया अमोनियम क्लोराइड एज नाइट्रोजन सोर्स, इन विच दे यूज्ड हैवी नाइट्रोजन. रेडियो आइसोटोप नहीं है, नॉट रेडियो, रेडियो एक्टिव लिख लो, रेडियो आइसोटोप नहीं है, हैवी नाइट्रोजन, राइट, N15. नॉर्मल नाइट्रोजन होती है N14, दैट इज लाइट नाइट्रोजन. और दोनों को, बेटा जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं तो रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन, एक्स रेज में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो चमकता है, शाइन करता है, डिफरेंट कलर देता है. जबकि हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन को, या हैवी नाइट्रोजन को लाइट से, हम यूवी लाइट या एक्सरे इनसे हम नहीं देख सकते. तो कैसे पता लगाएंगे हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन का, वो कैसे पता चलता है? ड्यू टू देयर डेंसिटीज. इसी कारण N15 को हमने हैवी कहा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है, वो जल्दी नीचे बैठता है, राइट. एंड फॉर देयर सेपरेशन, जब हम आगे चल के मतलब एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हमने N14 और N15 को अलग करना है तो क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो N15 है वो ज्यादा नीचे बैठेगा क्योंकि ज्यादा हैवी है, उसके ऊपर N14 आएगा, राइट. सो फॉर देयर सेपरेशन दे यूज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. मींस जो सोल्यूशन है जिसमें डेंसिटीज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, वो सोल्यूशन किसका है, सीजियम क्लोराइड का. और एक चीज याद रखनी है कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम मींस वो कितने टाइम बाद डबल होता है, दैट इज 20 मिनट्स. एक ई कोलाई 20 मिनट्स बाद दो ई कोलाई बना देता है, राइट. सो देन वी कम टू स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो फर्स्ट है ई कोलाई having N14, जो नॉर्मल E. coli है, जिसमें जो डीएनए है, डीएनए में N14 है, नॉर्मल नाइट्रोजन है, having N14 is grown in medium having
N15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, फॉर मेनी जेनरेशन. So that finally E. coli has DNA and proteins, क्योंकि proteins में भी nitrogen है, DNA में भी nitrogen है, nitrogen bases है, proteins with N15 that is heavy nitrogen. ठीक है, तो अब जो E. coli है इसका जो DNA है this is N15 दोनों जो strands है उनमें N15 है. That is heavy nitrogen. ठीक है जी, तो सेकेंड स्टेप नाउ, E. coli विद N15 इज देन ग्रोन, इज देन कल्चर्ड इन मीडियम with N14 normal ammonium chloride. ठीक है, उसके बाद क्योंकि हर 20 मिनट्स पर डिवाइड करता है, डिवीजन में क्या है, एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे. ई कोलाई के पास अगर एक क्रोमोसोम है तो वो दो क्रोमोसोम बनाएगा, एक क्रोमोसोम एक में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे ई कोलाई में. ठीक है, तो डबलिंग होती है इन एवरी 20 मिनट्स. सो या हम कहेंगे सैंपलिंग ऑफ ई कोलाई आफ्टर 20 मिनट्स. ठीक है, 20 मिनट्स के बाद सैंपलिंग की, तो इसमें क्या देखा, 20 मिनट्स एंड देन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये जो ट्यूब थी यहां पे भी जो इधर डेंसिटी ग्रेडियंट किया था, तो यहां पे जो सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ एक ही बैंड आया था यहां पर. दिस इज N15. यहां पे अब आप देखेंगे यहां पे बैंड आ रहा है ऊपर, और इस बैंड की ग्रेडियंट क्या है, ऑल डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ ये बैंड बन रहा है जिसकी डेंसिटी क्या है 50% N15 N14. क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स सेपरेट हुए एंड ईच डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइजेस इट्स न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो ये न्यू डीएनए है वो है N14. तो सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स सेम है, हाइब्रिड डीएनए. उसके बाद अगेन
आफ्टर 20 मोर मिनट्स मींस 40 मिनट्स के बाद देखा, तो क्या देखा है बेटा कि एक तो ये बन ही रहा है, और एक बैंड और बन गया ऊपर, बट ये कैसा बैंड है? That is N14, N14. This is N15, N14. ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे बना दूँ आपको, ये थर्ड वाले का. ये कैसे कि इनकी, अगर हम यहाँ पे देखें, इनके क्या है, चारों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए. 1 इसका कॉम्प्लीमेंट्री, 2 नेक्स्ट वाले स्ट्रैंड का, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री. और अब मीडियम में सिर्फ क्या है, N14 है, N15 तो है ही नहीं. ठीक है, बट ये अगर हम देखें तो ये स्ट्रैंड क्या है, N15, दिस इज N14, ये फिर N15, ये है N14. अब न्यू स्ट्रैंड बनना है N14 का, क्योंकि मीडियम में है ही N14. N15 कहां से आएगा, कहीं से नहीं, तो जो पुराना पड़ा हुआ N15 वही है. तो अब आप देख रहे हो, तो इसमें से दो स्ट्रैंड जो है 50% डीएनए इज हाइब्रिड डीएनए एंड 50% डीएनए इज यू नो इन विच बोथ स्ट्रैंड्स हैव N14. तो अब यहाँ पे दो बैंड्स बन जाएंगे, 50% डीएनए इज हाइब्रिड एंड 50% डीएनए इज दैट विच हैज N14. इज इट ओके? ठीक है, फिर हम इसे आगे भी करेंगे, पहले आप ये लिखें. या हर, तो सैंपलिंग जो है हर 20 मिनट्स के बाद की गई, तो ये देखा गया. और फिर उसका कंक्लूजन क्या निकालना, ये देखो. कंक्लूजन ये निकाला कि हाइब्रिड डीएनएज विल बी फॉर्म्ड ओनली इफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली आफ्टर 16 मिनट्स जो है, तो व्हाट यू विल सी दैट हाइब्रिड डीएनए की थिकनेस उतनी ही है, मतलब 2 ही मॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद then there is increase in thickness of धीरे धीरे N15 की thickness बढ़ती जा रही है, क्योंकि number of DNA molecule N14 की thickness बढ़ती जा रही है, because their number is going on increasing. So this is N14. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लिखना इसी पे.
फॉर डीएनए मॉलिक्यूल इज N14 एंड इज ग्रोन ऑन मीडियम हैविंग N15 and allowed to replicate twice. दो बार replication होती है. What is the percentage of DNA having N14, N15. Next है, a medium having N15 ammonium chloride has 4 DNA molecules. These DNA molecules are, again हम वही बात करें, are transferred to this medium and is and get replicate thrice. How many molecules of DNA are formed and how many have N14 DNA? चलिए जल्दी से ये बताइए. फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं कि ये पेरेंट डीएनए, अगर वो किस में ग्रो कर रहा था, N14 में, तो ये N14 है. अब जब रेप्लिकेशन होनी है तो दोनों स्ट्रैंड्स में, या फिर से मैं इस तरह से कर रही हूँ, दोनों स्ट्रैंड्स में अलग होना. जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसने रॉ मटेरियल नाइट्रोजन कहां से लेनी है, यहां से लेनी है, मीडियम में से लेनी है, अमोनियम क्लोराइड से. ये है हैवी वाला. तो इसलिए जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद. सो दिस इज N14, दिस इज N14. उसके बाद उन्होंने कहा अलाउड टू रेप्लिकेट ट्वाइस. ये एक बार रेप्लिकेट हो गया और दूसरी बार और हो गया. दूसरी बार में क्या हुआ, फिर ये दो स्ट्रैंड्स, मैं इधर दिखा देती हूँ, फिर ये दो स्ट्रैंड्स अलग हुए, ये वाला और ये वाला. इसी तरह से यहां पे भी ये दो स्ट्रैंड्स अलग हो. ठीक है, अब ये किसमें ग्रो कर रहा है, N15 वाले में. तो जो नया स्ट्रैंड होगा वो भी तो N15 वाला ही होगा. N14 वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि मीडियम क्या है, N15 वाला. तो N15, ये भी N15, ये भी N15.
अगेन N15। ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब है? ये है N14 N15, और ये दोनों N15 N15 है। ये भी हाइब्रिड है और ये दोनों N15 N15। तो दो बार दे रेप्लीकेट ट्वाइस, फर्स्ट रेप्लीकेशन सेकेंड रेप्लीकेशन। सेकेंड रेप्लीकेशन के बाद कितने स्ट्रैंड्स N14 N14 वाले है? हाँ जी बच्चे जल्दी से, कोई भी नहीं है, तो ये 0%। उसके बाद N14 N15 वाले कितने हैं? 50%। और N15 N15 वाले कितने हैं? 50%। समझ में आया कि नहीं, बोलो मुझे। हमने यहाँ पे क्या कहा? फोर मॉलिक्यूल्स है डीएनए के। फोर मॉलिक्यूल्स में वो सारा क्या है? दैट इज हैवी नाइट्रोजन, क्योंकि वो किस मीडियम में ग्रो कर रही है? इस हैवी नाइट्रोजन वाले। तो चारों के चारों मॉलिक्यूल्स में N15 N15 है। आपने क्या देखना है कि इन चार मॉलिक्यूल्स में कितने स्ट्रैंड्स है डीएनए के? 8 स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब 8 स्ट्रैंड्स N15 वाले है। जब वो एक फर्स्ट टाइम रेप्लीकेट करेगा तो 8 स्ट्रैंड्स नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे, तो आधा N15 आधा N14। सो 8 मॉलिक्यूल्स हाइब्रिड है। फर्स्ट जनरेशन के बाद हाइब्रिड ही बनता है। उसके बाद सेकेंड रेप्लीकेशन, फिर स्ट्रैंड्स अलग हुए, ठीक है। उसमें से 8 स्ट्रैंड ऐसे थे, जितने भी स्ट्रैंड्स बने उनमें से 8 स्ट्रैंड्स ऐसे है जिनमें N15 है, वो हाइब्रिड बनाएंगे। बाकी जितने स्ट्रैंड्स होंगे वो सब क्या बनाएंगे? दैट इज द नॉर्मल, या बाकी सब डीएनए जो भी जितने भी है, 8 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, रेस्ट डीएनए जो है वो नॉर्मल बनेंगे। फिर जितने भी आगे जितनी मर्जी रेप्लिकेशंस ले लो, 8 ही हाइब्रिड रहेंगे, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। परसेंटेज अब आप खुद निकाल, ठीक है। तो इसके आंसर आपको पता चल गया कि फर्स्ट का 32 और हमने परसेंटेज निकाल ली कि कितने N14 N14, 24/32 × 175%। नाउ राइट डाउन दैट। कि यूकेरियोट्स में कोई आपसे पूछे कि यूकेरियोट्स में किसने प्रूव किया था दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सो इट वाज प्रूव्ड बाय टेलर एट आल इन केस ऑफ बीसिया फेबा। लेग्यूमिनोसी का मेंबर है ये। ठीक है जी, अब इस पे आ जाइए। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होती कैसे है, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसे रेप्लिकेशन होती है? तो पहला स्टेप आ जाता है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट ओराइन। कहीं से भी नहीं रेप्लिकेशन शुरू हो सकती, इट स्टार्ट्स एट ओराइन। ओराई का क्या मतलब है, अंडरलाइन कर लो, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। स्पेसिफिक रीजन्स है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है सिंगल ओराई, वाइल यूकैरियोट्स हैव मेनी ओराई। तो
इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट्स, लेट अस से दिस इज प्रोकैरियोटिक डीएनए. कभी भी अभी तक हमने बताया कि दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होता है. यहां से लेट अस से दिस इज ओराइट, तो यहां से सेपरेशन शुरू हुई और रेप्लिकेशन यहां से इस पॉइंट से शुरू हुई. जबकि यूकैरियोट्स दिस इज यूकैरियोटिक डीएनए, यहां पर भी उराई है, यहां पर भी उराई है, यहां पे भी बहुत सारे उराई है. तो यहां से सेपरेशन हुई, उसके बाद यहां से भी सेपरेशन हुई और यहां से भी सेपरेशन. सभी जगह से क्या हो रहा है, दैट इज रेप्लिकेशन शुरू हो रही है. इस तरह से रेप्लिकेशन कई जगह से शुरू हो रही है, ठीक है. अभी ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके, बट मैं ये बता रही हूं. तो रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट ओराल. सेकेंड पॉइंट है न्यू स्ट्रैंड is always formed in 5' to 3' direction. As new nucleotides are attached at 3' end of previous nucleotide. अगर ये दो strands हैं, ये है 5' to 3', 3 to 5. ये ऐसे सेपरेट हो गए इसका जो न्यू स्ट्रैंड बनना है वो बनेगा 5 to 3. मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है, इसका 5' और ये 3' है. अब ये न्यू न्यूक्लियोटाइड आया है वो इसके 3' एंड से ज्वाइन करेगा, ठीक है. तो ये इस तरह से ग्रो कर रहा है. बट जो इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे है वो इस तरह से ग्रो कर रहा है. इसका ये 5' है और ये 3', राइट. कि कैसे, यहां पे पहले एक न्यूक्लियोटाइड जो है, मैं ये कहूं एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे आया, फिर यहां पे इस तरह से ये ग्रो करता है, राइट. तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक. आगे कैसे कैसे होता है वो हम धीरे धीरे बताएंगे आपको. और थर्ड पॉइंट है, एज सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स is या consumes lot of energy.
दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए बॉन्ड्स तोड़ने और बॉन्ड्स तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए. देयरफॉर बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट सेपरेटेड कंप्लीटली एट द सेम टाइम. दे स्लोली सेपरेट एज रेप्लिकेशन प्रोसीड्स. ये दो स्ट्रैंड्स हैं. पहले ये इतने सेपरेट हुए, रेप्लिकेशन हुई, फिर आगे ये तो कॉन्टिन्यूअस है बट ये तो बढ़ी जा रही है. यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड बट ये फ्रेगमेंट्स के बेसिस पे. अभी ऐसे बनाना, जब हम प्रोसेस करेंगे तो दोबारा पता चलेगा. फिर ये आगे सेपरेट हुए, इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से रेप्लिकेशन हो रही है. दोनों स्ट्रैंड्स एकदम सेपरेट नहीं होते, थोड़ा सा स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, रेप्लिकेशन शुरू हो गई, फिर आगे सेपरेट हो रहा है, फिर आगे सेपरेट हो रहा है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में तो दोनों ने हो ही जाने. राइट, अनदर थिंग, रेप्लिकेशन रिक्वायर आरएनए प्राइमर, दैट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू इनिशिएट रेप्लिकेशन. अभी ये याद ही करने वाला काम है. अभी मैं पॉइंट्स बता रही हूं और जब प्रोसेस करेंगे तो पता चलेगा कि आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए. मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट. डीएनए पॉलीमरेज, मेन एंजाइम जो है इट इज डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, कॉनबर्ग एंजाइम. ये मेन एंजाइम है, अदरवाइज मेनी अदर एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन होते कैसे. अभी तो मैंने सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको इन जनरल. ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे कि कैसे पूरी डीएनए रेप्लिकेशन होती है. ये नोट कर लो पहले.